हर हर महादेव स्वागत है आपका टारगेट स्टडी में और आज हमारा आठवां दिन है और उम्मीद कर रही हूँ कि आप पहले के सारे टारगेट टाइम से कंप्लीट कर रहे हैं तो आज हम मैथ्स में आर बी सर के रेशो प्रपोर्शन हमने कल स्टार्ट किया था और उसकी आधी क्लास कंप्लीट कर दी थी आज आधी क्लास कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आर बी सर की एक वीडियो है जिसमें 2018 19 के सारे रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन सर ने करवा रखे हैं एक घंटे की क्लास है वो कंप्लीट करेंगे पहले आपको आधी क्लास जो कल की बची हुई वो कम्प्लीट करनी है उसके बाद में ये दूसरी क्लास कंप्लीट करनी है रीजनिंग में हम चैप्टर एट नंबर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो नंबर सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन उससे आते हैं और नंबर सीरीज़ अगर आपको अच्छे से आता है तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी आप रीजनिंग के कर सकते हैं तो नंबर सीरीज़ में हमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्वेश्चंस को करना होता है मेरे पास प्यूष सर की बुक है आपके पास जो भी बुक है आप उससे करिए लेकिन 120 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं हो सकता है आप में से कुछ के पास किरण की बुक हो कुछ के पास पिनेकल की बुक हो जो भी बुक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन नंबर सीरीज़ के आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं विद टाइम आप सोल्व करिएगा ऐसा नहीं है कि अभी दस क्वेश्चन करें और सोने चले गए फिर दस क्वेश्चन किए और बाहर चले गए दस क्वेश्चन किए बात करने लगे ऐसा नहीं करना है टाइम के साथ आपको स्टोव वॉच चला साइड में फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है ताकि आपको ट्रैक रहे कि आप कितना टाइम लेते हैं किस क्वेश्चन को करने में पहले पूरे क्वेश्चन सोल्व करिए 120 उसके बाद आंसर चेक करिए ऐसा नहीं कि एक किया और फिर पीछे देखने लग गए बिल्कुल नहीं डेढ़ घंटे में आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद इंग्लिश में हम चैप्टर सिक्स जो है शुरुआत करेंगे नीतू सिंह वॉल्यूम वन से सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट है बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इसलिए इसको हम दो दिन में कम्प्लीट करेंगे सबसे पहले आज आप थ्योरी करेंगे थ्योरी में हमें ट्वेंटी फाइव रूल्स दे रखे हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बाद में हम क्या करेंगे सी एच एस एल की मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ चैप्टर टी ए वन टी टू के अकॉर्डिंग लिखी हुई है आप उसमें इनरोल करवाइए और उसमें चैप्टर टेस्ट में जब आप जाएंगे इंग्लिश के चैप्टर टेस्ट में चैप्टर टेस्ट में जाना वहाँ आपको इंग्लिश के चैप्टर टेस्ट मिलेंगे उसमें ग्यारह बारह तेरह चौदह ये वॉइस एंड नरेशन के हैं हमारी फाइनल रिविज़न और प्रैक्टिस से पहले ये आखिरी वॉइस एंड नरेशन की क्विज़ है जो हम सोल्व कर रहे हैं चालीस क्वेश्चन है टाइम के साथ आप करेंगे विद एनालिसिस पहले क्विज़ करें उसके बाद एनालिसिस दें इसी में चैप्टर नाइनटीन में जब आप जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन का एक क्विज़ दे रखी है उसमें पैसेज दे रखा होगा आपको दो पैसेज होंगे या एक पैसेज होगा दस क्वेश्चन आपको वो सॉल्व करनी है क्विजेस के लिए मैं एक घंटा दे रही हूँ और ट्वेंटी फाइव रूल्स के लिए डेढ़ घंटा आपको दिया है वो कैब में हम हर रोज़ ट्वेंटी वर्ड्स करते हैं टेन टेन वन वर्ड सब्सिट्यूशन टेन ईडियम करते हैं गलती से मैंने टेन लिखते हैं यहाँ पर और आज आठवां दिन है तो एक सौ साठ प्लस अस्सी प्लस अस्सी का सेट हो गया है चार घंटे का टारगेट आपका इंग्लिश का अगर आप टाइम से पहले करते हैं या टाइम के बाद करते हैं या टाइम पर भी करते हैं तो प्लीज़ मुझे टाइम के साथ आप कमेंट करके बताया करें ताकि मुझे रहे ये नॉलेज में कि आपको कितना समय लग रहा है टारगेट को कंप्लीट करने में नीतू सिंह के मैम में थ्योरी में देखिए आप यहाँ पे ट्वेंटी फाइव रूल्स दे रखे हैं विद एग्जांपल दे रखा है इसीलिए मैंने आपको डेढ़ घंटा दिया है तसली से आराम से शांत मन से आप इसको पढ़ना समझना रटना नहीं है प्लीज़ इस बात को याद रखें सिर्फ आपको समझना है क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अंदर हो जाएगा आप इंस्टेंट देखेंगे क्वेश्चन को और आपको एरर पता चल जाएगा जीके में हम पार्ट वन से फोर ए कर चुके हैं इंटर स्टेट काउंसिल सेंटर स्टेट रिलेशन अमेंडमेंट इंपोर्टेंट सब कंप्लीट कर चुके हैं आज आपको फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 प्लानिंग कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन को कंप्लीट करना है मेरी बुक में तीन ही पेज की थ्योरी है तो एक घंटा मोर देन सफिशियंट है आपके पास जो भी मेन बुक है आप उससे पढ़ लीजिए जितना समय दे आपको ज़्यादा समय लगे तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बता देना अगर आपके पास मेन बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से वीडियो सर्च कर लीजिए पर्टिकुलर ये हेडलाइन डाल के फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी और आप उन वीडियो से कर लीजिए अगर आपके पास मेन बुक है तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेना लेकिन अगर मेन बुक नहीं है तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप नोटबुक बनाएं उसमें साथ के साथ इम्पोटेंट चीज़ें लिखते रहें ताकि जब हम फाइनल रिवीजन जब करेंगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा पूरा ही टारगेट जो है ये नौ घंटे का टारगेट सेट कर दिया है मैंने और आपको विद टाइम कंप्लीट करना है प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना टाइम वो साथ में रखा करें और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व किया करें टाइम से पहले अगर टारगेट कंप्लीट हो जाए मुझे बताना और टाइम के ज़्यादा समय लग रहा है तो भी मुझे बताना उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं अपना ध्यान रखें हर हर महादेव